खबर मध्य प्रदेश के नागदा से है, जहां अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत से 30 लाख का डामर रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इतना ही नहीं, ये रोड गड्ढों में तब्दील हो गया है। वहीं मामले को लेकर एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका ने पिछले साल पुराने बस स्टैंड से लेकर कोटा फाटक ओवर ब्रिज तक सीसी रोड का डामरीकरण किया था। ये रोड 30 लाख की लागत से तैयार किया गया था, लेकिन एक बारिश में ही पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने नगर पालिका अधिकारी और ठेकेदारों पर 30 लाख की राशि वापस वसूलने की मांग की है। साथ ही जनसुनवाई में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को इसकी पूरी जानकारी देकर निर्माण जांच के आदेश दिए हैं। किया गया था और 30 लाख की उसमें लागत लगी थी उसमें, और तब भी जो निर्माण हुआ गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है, संघ की शिकायत प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया इसमें सीएमओ नगर पालिका नागदा जवाब दिया जाएगा और ई के माध्यम से भी इसमें जांच कराई जाएगी। इसके अलावा जैसा कि शिकायतकर्ता को चाह रहे थे कि इसमें अन्य विभागों से भी जानकारी और अन्य स्तर पर भी इसमें जाँच हो तो वो भी कराई जाएगी।